हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग की समरी। सुबह उठने की आदत हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कभी भी सुबह नहीं उठ पाते, और अगर किसी दिन सुबह उठ भी जाते हैं तब भी अपने सुबह को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग में जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अपने इस किताब में हेल ने सेवर्स नाम की एक मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करके आप ज्यादा खुश, हेल्थी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए करेंगे, तब आपका दिन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। यह किताब हर उस इंसान के लिए बहुत अच्छी है जिसे नींद आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आना या सुबह न उठ पाना। ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या वह स्टूडेंट जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जब आपकी जिंदगी बुरे और बहुत बुरे हालातों से गुजर रही हो, तब आप अपने आप को यह बात जरूर याद दिलाएं कि और भी लोग हैं जो आपसे भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप परेशानियों से हार मानकर अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लें। उठिए और कमर कसकर अपने परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। मिरेकल मॉर्निंग आपकी सुबह कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी, आइए जानते हैं। सुबह उठने की आदत हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कभी भी सुबह नहीं उठ पाते, और अगर किसी दिन सुबह उठ भी जाते हैं तब भी अपने सुबह को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हेल एलरॉड इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान चाहे तो वह बुरे से बुरे हालात में भी खुद को संभाल सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब वह छोटे लड़के थे तब उनकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन उनकी जिंदगी और बुरी तब हो गई जब एक दिन उनकी माँ अपनी गोद में उनकी छोटी बहन को लेकर रो रही थी। उन्हें यह पता था कि उनकी बहन एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, तो वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। इस हादसे के बाद ऑथर ने हॉस्पिटल के अन्य मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया। उसके बाद में यह समझा गया कि जिंदगी में परेशानी तो हर किसी की होती है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी जीना कभी खत्म नहीं होता। इस घटना के बाद बुक राइटर के साथ एक और घटना घटी, जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। इस एक्सीडेंट में ना तो ऑथर की गर्लफ्रेंड को ज्यादा चोट आई, नहीं ट्रक ड्राइवर को, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ऑथर को बहुत ही बुरी चोट आई थी। उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी, लेकिन जब उन्हें कार से बाहर निकाला गया तब उनकी सांसें चल रही थी। इस एक्सीडेंट के बाद अगले 6 दिनों तक उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर ने यह तक बोल दिया था कि अब वह व्हीलचेयर से कभी भी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि उन्होंने 84 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में भी भागा। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से खुद को इम्प्रूव किया, उसका पूरा श्रेय वह मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। अपने अंदर की खूबियों को पहचाने। अगर आप में कोई कमी है तो आप यह सोचिए कि आप दुनिया के नॉर्मल लोगों के जैसे ही हैं। जैसे वह खुद को बेहतर बना सकते हैं, वैसे आप भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बस आपको खुद में विश्वास रखना होगा। आपका रोजाना कुछ समय खुद को देना है। जब आप अपने आप को अपने लाइफ का कुछ समय देना शुरू कर देंगे, तब आपको एहसास होगा यह आप कहां से कहां निकल गए हैं। आप पूरे दिन कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये चीज आपके सुबह पर डिपेंड करती है। इसका मतलब तो यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के ऊपर और आपका दिन आपके सुबह पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ओवरऑल आपके सुबह का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप सुबह नहीं उठ पाते तो मिरेकल मॉर्निंग आपको जल्दी उठना सिखाएगी। जल्दी उठकर आप अपने सुबह को भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से हमारा हेल्थ और हमारा माइंड कितना अच्छा रहता है।
तो आप बुक में बताए गए तरीके को फॉलो करके अपने सुबह को एक अच्छी सुबह बना सकते हैं। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो उन चीजों के साथ ही जीना सीखते हैं जो जिंदगी ने उन्हें दिए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि वह चाहे तो अपनी जिंदगी में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो वह चाहते हैं, लेकिन यह लोग अपने कमियों के साथ ही जीना सीख जाते हैं। 95% लोग क्यों और क्या करते हैं? जो लोग अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करते और अपने पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह बाद में जाकर 95% लोगों में शामिल हो जाते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की परेशानियों के आगे रिएक्ट करना छोड़ दिया है। एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्या चीज हमें नॉर्मल बनाती है? पास्ट की बुरी यादों के बारे में सोचना, अपने लिए बहुत ही छोटे गोल्स बनाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना और कम चीजों में ही खुश हो जाना हम एक नॉर्मल इंसान बनाती हैं, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करते हैं वह अपनी चीजों को पाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत भी करते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत कीजिए। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में सभी चीजें हासिल कर पाएंगे। अगर आप दूसरों से ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा देना होगा, लेकिन जब आपको सुबह उठने में मतलब अपने दिन की शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है तो आप अपने सपने कैसे पूरा करेंगे? दिन की शुरुआत में हम जो चीजें महसूस करते हैं हमें पूरा दिन वही एहसास होता है। इसलिए सारे बहाने सारी चीजें छोड़ दीजिए और आज से ही अपनी जिंदगी बदलने का जिम्मा अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि चीजों को कल पर टालने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज से ही खुद को बदलना शुरू कीजिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठने की 5 स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी, आपको अगले दिन का प्लान पहले ही तैयार कर लेना है। दूसरी स्ट्रेटजी, अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से थोड़ी दूरी पर रखें। तीसरी स्ट्रेटजी, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत साफ कीजिए, क्योंकि दांत साफ करते ही आपका दिमाग भी तरोताजा हो जाता है। चौथी स्ट्रेटजी, सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीजिए, क्योंकि पानी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। पांचवी स्ट्रेटजी, नहाकर सुबह सुबह तैयार हो जाए। यह 6 आदतें जो आपकी जिंदगी को आसान बना देगी। पहला है साइलेंस। हमारा पूरा दिन भाग दौड़ भरा होता है, ऐसे में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कुछ समय शांति से मिलता है, और यही वह समय है जब आप शांति से अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी चीज से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शांति को महसूस कीजिए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी प्रतिज्ञान या समर्थन में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब आप सुबह सुबह अच्छी बातें कहते हैं, चीजों के लिए अच्छा फील करते हैं, तब प्रकृति भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं, जिससे बाद में भी वह चीज है आपको अपने आप मिल जाती है। तीसरा है विजुअलाइजेशन। अगर आपको कोई गोल पूरा करना है तो आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो सारी चीजें घूमती रहती हैं, वह चीजें पूरी करने के लिए हमारा दिमाग खुद ब खुद हमें मोटिवेट करता है। चौथा है एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना एक बहुत ही अच्छी आदत साबित हो सकती है। तो जब भी आप सुबह उठे तो जरूर एक्सरसाइज कीजिए। पांचवा है रीडिंग। रीडिंग करना बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है। अगर आपको पूरा दिन पढ़ने का समय नहीं मिलता तो आप अपने दिन की शुरुआत में ही किताबों के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं। छठवा है स्क्राइबिंग। सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत ही फ्रेश होता है, जिसके वजह से उसमें नए नए आइडिया जाते रहते हैं। इसीलिए कुछ भी पढ़ने या फिर सोचते रहने के बाद आपको पेपर पर स्क्रीबिंग प्रतिलिपि या नकल करनी चाहिए, ताकि आपका आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में ही ना रहे बल्कि वह एक ब्लूप्रिंट बन जाए। 30 Days Miracle Morning Challenge। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नई आदत को डालने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है और थोड़ी मुश्किल भी होती है। मिराकल मॉर्निंग की रूटीन अपने हैबिट में डालने के लिए भी आपको थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे बड़ी परेशानी तो यह होती है कि लोग इस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते और कुछ दिन फॉलो करने के बाद इस रूटीन को बीच में ही छोड़ देते हैं। 1 से 10 दिन असहनीय। जब आप इस मॉर्निंग रूटीन को अपने लाइफ में आजमाने की कोशिश करेंगे तो पहले 10 दिनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप डटे रहिए और लगातार कोशिश करते रहिए। 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल। अगर आप मॉर्निंग रूटीन को 10 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आपको अब कुछ कुछ इस रूटीन की आदत हो जाएगी, लेकिन अभी आपको इस रूटीन को फॉलो करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए अपने कमिटमेंट को ध्यान में रखें और अपनी पूरी कोशिश कीजिए। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। जब आप 20 दिन तक सुबह सुबह इस मॉर्निंग रूटीन को यूज करेंगे, तब अब आप कह सकते हैं कि अब आपको इसकी आदत हो गई है और अब आपका काम पूरा हो चुका है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग किसी भी तरह की आदत को डालने के लिए इस तरीके का ही यूज करते हैं। ऑथर का यह मानना है कि अगर आप भी 30 दिनों की मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह चुनौती आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप इस चुनौती के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग चाहता है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें, इसलिए ज्यादा मत डरिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी द मिरेकल मॉर्निंग की समरी। यह बुक समरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।